की सेंट्रल लैब पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। जांच के लिए लगाए गए इंजेक्शन के बाद एक मरीज की मौत होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सेंट्रल लैब के जांचकर्ताओं की लापरवाही के चलते उनके परिवार के सदस्य की जान गई है। कुछ दिन पूर्व शहर के गोकुलदास अस्पताल में बीमारी के चलते इंदौर के ही रहने वाले राघवेंद्र शुक्ला नामक शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिनकी हालत में काफी हद तक सुधार भी आ गया था। वहीं बीते दिन डॉक्टरों ने मरीज राघवेंद्र के लिए उनके परिजनों को कुछ जांचें लिख कर दी और उन्हें छोटी गोयटोली थाना क्षेत्र के यशवंत प्लाजा में सेंट्रल लैब पहुँचा दिया, जहाँ मौजूद लोगों द्वारा मरीज को इंजेक्शन लगाकर जाँच की प्रोसेस की गई। मरीज के भतीजे ने बताया कि अच्छे खासे जांच करवाने आए उनके मौसाजी लैब में इंजेक्शन लगवाने के बाद मूर्छित हो गए और उनकी हालत बिगड़ने लगी। तभी देखते ही देखते चंद ही पलों में उनकी जान चली गई। परिजनों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि सेंट्रल लैब के विशेषज्ञ की लापरवाही के चलते उनके मरीज की मौत हुई है। वहीं मामले में पुलिस ने जांच की बात कही है।